भाद्रपद में अष्टमी का आना और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शोर उठ जाना, चारों ओर फिजाओं में एक ही बात है, जन्माष्टमी जन्माष्टमी। योगीराज कृष्ण के जन्म को लेकर के एक माहौल खुशी का, उमंग उत्साह का अनेकों रंग बिखेरता चला आता है। सच पूछिए तो ऐसा लगता है तेरा आना गुले गुलशन के हर गुल का महक जाना, उस योगीराज का इस धरा पर आना, तेरा आना गुले गुलशन के हर गुल का महक जाना, तेरा आना है अंधेरों के सफर से उजालों की तरफ आना। न तू आता तो जिंदगी का हर लम्हा यूं ही चला जाता, न तू आता तो जिंदगी का हर लम्हा यूं ही चला जाता, तेरा आना है मकसद जिंदगी का तरन्नुम से है भर जाना। वास्तव में अन्याय अत्याचार पर न्याय की विजय, अंधेरों से उजालों का सफर, जब चारों ओर कंस की शासन प्रणाली में वहां की प्रजा दुख दर्द से त्राही त्राही कर रही थी, उस समय सृष्टि पर बहुत अधिक आवश्यक था किसी ऐसी सत्ता का पदार्पण जो आकर के अत्याचार अनाचार को सदाचार की ओर ले जाए, और वो सदाचार की ओर ले जाने वाला छोटा सा बालक जिसका जन्म भाद्रपद अष्टमी को हुआ, श्री कृष्ण का जेल के अंदर आना, अंधेरों से उजालों की ओर आना, एक उम्मीद देवकी को जो थी, देवकी ने स्वेच्छा से कारागार मांगा था कि मेरी सारी संतानों को समाप्त कर दो, उससे बेहतर है मुझे समाप्त करने से मैं संतानों को ही दे देती हूँ, आठवें की जो घोषणा है वो भी तुम्हें सौंप देती हूँ, लेकिन जो होना होता है वो होकर रहता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उस परम चैतन्य सत्ता को जगत में आना ही पड़ता है। और जो कहावत है, होनहार बिरवान के होत चीखने बात, जब श्री कृष्ण इस धरा पर आए और श्री कृष्ण का आने का अंदाजा थोड़ा थोड़ा कहीं हवाओं में भी गूंजा, कंस को भी लगा कि मेरा मारने वाला तो कोई और है, क्योंकि आठवीं संतान जिस कन्या को उसने मारने की कोशिश की थी वो तो हाथ से छूटकर चली गई और घोषणा करती गई, हे कंस तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। वो शुभा, वो शंका, वो घोषणा और पूर्व भविष्यवाणी कंस को मथने लगे थे। श्री कृष्ण का जन्म प्रारंभ से ही अनेक अनेक किंवदंतियों से लेकर यथार्थ की ओर बढ़ता गया। बाल्यकाल में जमुना पार करनी पड़ी जन्म लेते ही, नंद के यहाँ पूतना का वध करना पड़ा, और तो और जमुना जी में कूदना पड़ा, नागवासुकी को नियंत्रित करना पड़ा, अकासुर बकासुर न जाने कितने असुरों का संहार करना पड़ा, और ये संहार इस बात की घोषणा थी कि सदाचार का एक स्फुलिंग, एक छोटा सा कण कितनी ताकत लेके पैदा होता है। बाल स्वरूप है तो क्या हुआ, शक्तियां बाल नहीं, शक्तियां विविधताओं को लेकर के थी। और इतना ही नहीं, आगे बढ़े किशोर वय में जब रास रचाने की बात आई तो लोग तो उसे लेते हैं संगीत से, नैसर्गिक विधा से, रास से, लेकिन सच पूछिए तो संस्कारों की रास जो मिलाई श्री कृष्ण ने उन ग्वाल बालों के साथ, नंद के प्रजा में रहने वाले प्रजाजनों के साथ,
कि हर अमीर उमराव गरीब हर एक उन्हें अपना रहनुमा मानने लगा। बड़ी बात थी, मैत्री संबंध निर्वाह करने की बात थी। तो सुदामा से लेकर के अर्जुन तक, बीच में उद्धव भी आए, तीन ही मित्र थे जिनका गायन बहुत जोर शोर से है। तो मैत्री का निर्वाह कैसे किया जाता है ये योगीराज कृष्ण ने दिखाया। वो जाने दीजिए, आप उनकी मैत्री की बातों को लेंगे, नीति परक महिलाओं के सम्मान को लेंगे, तो कितना उन्होंने सब कुछ करते हुए हंसते मुस्कराते बड़े लाइट मूड में रहते हुए भी अनाचार और अत्याचार का सफाया किया। बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण योगीराज के एक एक जीवन पृष्ठ की कहानी को पलटते जाएं और देखते जाएं तो क्या नहीं किया उन्होंने, और उनका हर कृत्य इस बात की घोषणा करता गया, मैं आ गया हूँ। और ये उनका आना बागवां है रूहे गुलशन का बड़ा प्यारा अनोखा सा, नंद के गांव में भी ये लगने लगा था, सजाता रूहों को गुण ज्ञान से, उन्होंने जो रास रचाया देता रंग चोखा सा। कन्याएं हों गोपिकाएं हों हर एक को लगने लगा। जब गोवर्धन उठाया तो लोग कहते थे इंद्र से पंगा लेगा कौन, श्री कृष्ण ने कहा ये मक्खन हमारे इस नंद गांव का है, क्यों जाएगा मथुरा, क्या जरूरत है मथुरा जाने की, परिश्रम हम करेंगे खाएंगे वो नहीं। ये रोकना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उस चुनौती को दिया। जिस समय कौरवों से संधि प्रस्ताव लेकर गए थे ये वो समय था जब किशोर से युवा हो चुके थे, लेकिन एक मित्र के नाते, एक मित्र के लिए कितना त्याग कर किया जा सकता है ये उन्होंने संधि प्रस्ताव के समय दिखाया। वो जानते थे कि रास्ता इतना आसान नहीं, कांटों से भरा हुआ है, उसके बावजूद भी प्रस्ताव लेकर जब गए, हर एक ने पांडवों में अपनी अपनी बात कही, आप ये कहना, हर एक ने अपनी अपनी पीड़ा व्यक्त की। युधिष्ठिर धर्मराज थे, बोले कुछ मत कहना, अरे 5 गांव दे देंगे ना तो भी चल जाएगा। श्री कृष्ण वो प्रस्ताव लेकर के जब पहुंचते हैं हस्तिनापुर, जानते थे मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, बहुत कहा गया आप रुके यहाँ, और आपके लिए महल खाली बहुत सुंदर सजाया गया। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, मैं तो दूत हूँ, मैं द्वारिकाधीश बनकर कहाँ आया हूँ, मैं विदुर के यहाँ रहूँगा, काकाश्री के यहाँ रहने का प्लान। एक साथ नीति परक बात कही और अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लिया। यहाँ तक आभास था कि ये मुझे कहीं भी किसी भी समय गिरफ्तार कर सकते हैं, कारागार में डाल सकते हैं, जब मेरे पिता को डाल सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं डाल सकते। बहुत अच्छे से उन्होंने उस बात का भी सामना किया। जिस समय एकाएक जाकर बैठ गए थे लोग, तो दुनिया में केवल उनके एक ही विराट रूप की चर्चा करते हैं कि जब उन्होंने अर्जुन को रूप दिखाया था और बताया था कि जिसे तुम जानते हो वो मैं नहीं हूं। लेकिन नहीं, इसके पहले भी उन्होंने एक विराट रूप दिखाया था। और योग किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत शक्तियाँ कैसे निहित होती हैं, ये प्रैक्टिकल करके सारी सेना खड़ी रही, दुर्योधन स्वयं खड़े रहे, कोई उन्हें हाथ नहीं लगा पाया। विचार करने वाली बात है कि इस तरह की परम सत्ताएं जब सृष्टि पर आती हैं तो उनके कृतित्व इतिहास बन जाते हैं, और लोग हर साल जन्माष्टमी के पर्व पर लीलाओं के माध्यम से इन्हें याद करते हैं।